बार डबल की कॉल जरूर की जा रही है वहां, जब तक गेंद को फीड किया जाए। एक फंबल जरूर था, उसका फायदा उठाया गया बल्लेबाज की ओर से। दो रनों के साथ स्कोर बीच आगे बढ़ता हुआ ओम साई धर्मपुर 11 का 12 रन। पारी का ही दूसरा ओवर चल रहा है, एक विकेट के नुकसान के ऊपर। खूबसूरत, फिर से गेंद जिसको कहा जाना चाहिए, खूबसूरत थ्रो वहां पे। इस प्रकार स्कोर अब जा पहुंचा है 13 रन। पारी का ही दूसरा ओवर चल रहा है, एक विकेट के नुकसान के ऊपर। इस बार डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में स्ट्रोक को खेला जरूर था बल्लेबाज ने, और जब तक गेंद को फील किया जाए विश्वजीत ठाकुर की ओर से वो थ्रो दिया जाए अजीत मोहिते की ओर से। दो रनों के साथ स्कोर बीच आगे बढ़ता हुआ ओम साई धर्मपुर 11 का 15 रन। पारी का दूसरा ओवर चला है, एक विकेट के नुकसान के ऊपर। स्विप शो खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से, डॉट महत्वपूर्ण डॉट गेंद की गई, बहुत ही नए कवर समाप्त किया गया है सोहेल मांजरा की ओर से। वेरी डिसेंट बॉलिंग परफॉर्मेंस से निर्भाई सोहेल मांजरा, दो ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 15 रन। बीसी गेंदबाजी की जिम्मेवारी गेंदबाज विवेक सेरान ने संभाल रखी है दूर वाले शोर से। एबीसीबी 3 ओवर की फाइनल मैच रखी जा रही है, 2 ओवर में 15 रन बनाए, एक विकेट के नुकसान के ऊपर। अच्छी गेंद है शेष, अच्छी महत्वपूर्ण गेंद। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया गया ओम साई धर्मपुर 11 के कप्तान अनिकेत राउत की ओर से। और इस बार स्पेयर ऑफ द विकेट को खेला शॉर्ट थर्ड मैन के स्थान के ऊपर, जब तक गेंद को फील किया जाए फील्डर की ओर से। 1 रनों के साथ स्कोर बीच आगे बढ़ता हुआ 16 रन। और इस बार सामने की ओर स्ट्रोक को खेला एकदम आसान कैच वहां पे डीप लॉन्ग ऑन के फील्डर की ओर से। ये वैसे भी एटमोस्फियर ऐसा जिसको कहा जाना, ह्यूमिडिटी काफी डाउन जिसको कहा जाना चाहिए, अगर बल्लों के बीचों बीच एकदम मीटरिंग अगर स्ट्रोक को खेले या गैप, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। 16 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये आखिरी ओवर चला है, 4 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। विवेक सेरान को शामिल किया गया कप्तान आनंद और प्रतीक की ओर से, और एक्टिंग कप्तान अजीत मोहिते की ओर से काजी पिरामिडर से 11 के लिए। इस बीच बल्लेबाजी के ऊपर पिच हिटर्स को अब शामिल किया जा रहा है, आने वाली जो शेष 4 गेंदे है राकेश प्रभु। चार गेंद अभी बीच से विवेक सिले गेंदबाजी करते हुए भिवंडी से बिलोंग्स करते हैं, बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंपी जा रही है अजीत मोहिते और आनंद और प्रतीक की ओर से। और इधर ब्लॉक गेंद जिसको कहा जाना चाहिए, आगे आकर स्ट्रोक को खेला डीप लॉन्गन के स्थान के ऊपर, और शॉर्ट लॉन्गन के स्थान के ऊपर जाकर फील किया जाए। 1 रनों के साथ स्कोर बीच आगे बढ़ता हुआ ओम साई धर्मपुर 11 का 17। 17 रन, पारी का ये तीसरा ओवर अंतिम ओवर चला है, 3 गेंदे अभी भी शेष है। 3 लीगल बॉल इन लास्ट ओवर, क्योंकि 3 ओवर के फाइनल मैच रखे गए हैं। इस बार अंदरूनी भाग का लक्कर जरूर गई वहां अजीत मोहिते की दिशा में,
थ्रो करना मुनासिब नहीं समझा उन्होंने अपनी टीम ने। काजी पिरामिडस के लिए एक रनों के साथ स्कोरिंग भी आगे बढ़ता हुआ ओम साई धर्मपुर 11 का 18 रन दो विकेट के नुकसान के ऊपर। चौके और छक्के अधिक से अधिक मतलब आने वाली जो दो गेंदे उसमें कुछ कोशिश ये की जाएगी कि मैक्सिमम या मिनिमम स्ट्रोक खेला जाए और दौड़ गेंद या विकेट लिया जाए, ये ऑप्शन किया जा रहा है विवेक सेलर की ओर से। ब्लॉक गेंद जिसको कहा, एक इन स्विंग ब्लॉक जिसको कहा जाना चाहिए, बहुत ही तेज तरार गेंदबाजी इसको कहा जाना चाहिए। वैसे भी टेनपीएल के भी बहुत ही बड़े टूर्नामेंट खेल चुके हैं विवेक सेलर, एक बहुत ही प्रतिभाशाली गेंदबाज जिसको कहा जाना चाहिए। सर इज वेरी इंप्रेसिव बॉलर्स इन दिस कॉम्पिटिशन। 19 रन पारी का ये आखिरी ओवर चल रहा है विवेक सेलर की ओर से और सामना करने के लिए तैयार राकेश प्रभु। इस बार सामने की ओर स्ट्रोक को खेला जरूर था बल्लेबाज ने। आज खूबसूरत फील्डिंग वहां डीप लॉन्ग ऑफ के फील्डर की ओर से और जब तक थ्रो दिया जाए। सो व्हाट इज द डिसीजन इज गिवन बाय अंपायर्स, यस आउट, ओके, केवल एक ही रन काउंट किया जाएगा एडिशनल टोटल में। ये कीमती रन जरूर बचाया गया वहां डीप लॉन्ग ऑन के फील्डर की ओर से, अच्छी एक्ट जरूर की गई वहां अजीत मोहिते की ओर से, हाँ लाइक धोनी स्टाइल। पूरी नवर कितना दिया टोटल, तो तीन ओवर में टारगेट 21, 18 गेंदों के ऊपर 21 रन चाहिए इस मेगा फाइनल मैच को जीतने के लिए। शिविर से भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और ऑर्गेनाइजर में मिस्टर निकेत, मिस्टर कादिर भाई, मिस्टर अम्मार भाई, मिस्टर प्रियांक राठौड़, मिस्टर कासम भाई वजीर, इस मुद्दसर भाई शेख, विपुल भाई, कमेंटेटर्स पैनल में जनाब इकबाल भाई कुरैशी, मिस्टर जीतू भाई पटेल, 70-70 के जो एक्सपर्ट कैमरामैन मिस्टर सतीश, मिस्टर रूथ उश्कीर, मिस्टर संदेश, मिस्टर अश्विन, मिस्टर आशीष मोरे इस बर्थडे बॉय, मिस्टर संदीप भाई कीर, मिस्टर निसर भाई लाल एंड मिस्टर रियाज भाई, रियाज शेख। बैस की भूमिका तरुण भाई पटेल, होमियार भाई कासद और सुमन भाई नायक की ओर से। स्काई इंटरनेट मतलब इंटरनेट की सुविधा केतन भाई आहिर, दीपक भाई आहिर और योगेश भाई आहिर, बहुत ही बड़ा सहयोग जब मिला है। डिकेट स्पोर्ट्स यादगार चिकन आयोजित बलसाड़ बिग बैस डी टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट का आज अंतिम दिन। सबसे महत्वपूर्ण योगदान जनाब इनायत भाई फाती वाला यूके, जनाब बुरिया भाई वापी, जनाब साजिद भाई मेमन एसएस ऑटो प्रोपराइटर्स, मिस्टर सफू भाई यादगार मटन्स, तौफिक भाई मेमन हाजी ऑप्टिकल्स प्रोपराइटर्स, मनीबा इलेक्ट्रिकल्स, जनाब आसिम भाई हासमानी किंग ऑफ कबाब, तेज पेट्रोल पंप्स, बंटी भाई टंडेल, इरफान जस्टिन, राकेश भाई पटेल पंच स्टोर 70-70 खेरगाम, हिदायत भाई रॉयल चिकन धारी ट्रैवल्स, बिस्मिल्ला चिकन कोसंबा बाइला, सरफू भाई वापी, आसिफ चिकन अरहान चिकन, एमपीएल कमेटी वलसाड़, जुलू भाई खेरगाम, बकिया ऑटो वलसाड़, उत्तम भाई टंडेल कोसंबा वलसाड़। वैसे भी साउथ गुजरात में तीसरी बड़ी इनामी राशि जिसको कहा जाना चाहिए गुरुकुल और भाईली बजरंग अगर छोड़ा जाए, सच इज अ वेरी बिग प्राइज इन साउथ गुजरात, तीसरी सबसे बड़ी इनामी राशि दी जा रही है वलसाड़ की ओर से। सो नाइस थिंकिंग बाई निकेत भाई ओनर्स ऑफ डीके स्पोर्ट्स 70-70 वलसाड़। इस बार विकेट जिसको कहा जाना चाहिए, प्रज्योत अंबिरे ने इस बीच गेंदबाजी की जिम्मेवारी प्रज्योत अंबिरे ने संभाल रखी है। छह लाख और 3 लाख का एक बहुत ही बड़े इनाम का फीस है इसी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर योजना की जा रही है 70-70 स्कोर से।
ताहिर भाई की ओर से पहले ही वैसे भी डिक्लेयर किया गया है सूरत में 15 और 10 लाख का एक बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट है 70-70 आयोजित, वो वैसे सीबी पटेल क्रिकेट ग्राउंड या लाल भाई के ऊपर खेला जाएगा 1 नवंबर में, ये उनकी ओर से घोषित किया जा रहा कि जाकर गुजरात बिग बैस इन लाल भाई कॉन्ट्रैक्ट स्टेडियम और सीबी पटेल क्रिकेट ग्राउंड सूरत। तो आने वाली 17 गेंदों के ऊपर 21 रन चाहिए, रिमेनिंग 17 बॉल 21 रन। प्रज्ञा तंबीर है जिसको कहा जाना चाहिए, बहुत ही बड़े एक्सपीरियंस वाले गेंदबाज जिसको कहा जाना चाहिए, सर लॉट ऑफ एक्सपीरियंस है इन टेनिस क्रिकेट। बीरल राजपूत और खूबसूरत गेंदबाजी वहां पे, और जब तक गेंद को फील किया जाए शॉर्ट मिड ऑन के फील्डर की ओर से 1 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। सोलमा बीस जो है ना ये फॉलिंग शॉट जरूर था जिसको कहा जाना चाहिए, वैसे भी बहुत ही रोचक मैच जिसको कहा जाना चाहिए। दो रन पारी का ही प्रारंभिक ओवर चल रहा है, प्रज्ञा तंबीर है और खूबसूरत गेंदबाजी वहां पे लगातार जड़ में डाली गई गेंद, स्कोर अब जा पहुंचा है 3 रन 3 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। खूबसूरत कैच वहां पे डीप लॉन्ग ऑन के फील्डर की ओर से, ये बहुत ही टाइमली चौका जिसको कहा जाना चाहिए, यस इट इज फॉर इज वेलकम रन एंड अ टाइमली स्ट्रोक इज प्ले बाय बेसमैन। पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 7 रन, जबकि पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर था ओम साई धर्मपुर 11 का 8 रन, एकदम मिला जुला प्रदर्शन पहले ओवर में। पीछे गेंदबाजी की जिम्मेवारी एक बहुत ही एक्सपीरियंस गेंदबाज प्रीतम बारी ने संभाल रखी है, मेहनत पूरी की जा रही है वहां पे। अनिकेत राउत की ओर से ओम साई धर्मपुरी के लिए पहले 20 महत्वपूर्ण रन बनाए गए 3 ओवर की फाइनल मैच में।
और पूरा दारोमदार बल्लेबाज हितेंद्र सिंह जाडेजा के ऊपर भी है। उनका विकेट वैसे भी बहुत ही प्राइज विकेट है ओमसाई धर्मपुर 11 के लिए। आ यस, सेकंड इज अ मैग्निफिसेंट कैच इन डीप लॉन्ग ऑफ रीजन। तुषार गर्ग ने कैच लिया डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर। अब नए बल्लेबाज के रूप में पंकज जाधव द बूम। इस बीच बहुत बड़े उलटफेर किए गए हैं बैटिंग क्रम में। कप्तान प्रतीक की ओर से काजी पिरामिडर्स 11 के लिए बुम्बो मंटिया को इस बीच शामिल किया जा रहा है। इसे बिग हिटर माने जाते हैं महाराष्ट्र की ओर से। इस बिलोंगिंग फ्रॉम अलीबाग। मेबी यस इट इज बुम्बो मटिया। इसके वैसे भी बहुत ही प्रख्यात बल्लेबाज आज है। मतलब फाइनल मैच में पहला सिक्सर जिसको कहा जाना चाहिए बल्लेबाज बुम्बो मटिया की ओर से। वैसे भी बहुत ही पॉपुलर है, जनाब इकबाल भाई कुरैशी ने पहले ही बताया था। ही इज वेरी एग्रेसिव बैट्समैन बुम्बो मटिया। आउट। नौ गेंदों के ऊपर 8 रन चाहिए। 9 बॉल 8 रन। काफी रोमांचक मुकाबला यहां पर है। 9 गेंद और 8 रन। 9 गेंद और 8 रन। एक बहुत ही बड़ा मेगा फाइनल का ये बड़ा मुकाबला। 9 गेंद 8 रन। अब नए बल्लेबाज के रूप में राकेश कुमार। बापू कर्णावटी एक्सप्रेस के नाम से जाने जाने वाले राकेश कहार। अजीज भाई तुम्हें जब शुरू करो बोलो। इस बार डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से सीधे डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। और जब तक गेंद को फील किया जाए आईएस इज आउट। 1 रन काउंट जरूर किया जाएगा ऑफिशियल टोटल में। खूबसूरत फील्डिंग वहां पे करण मोरे की ओर से डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। अब 8 गेंद और 7 रन। 8 गेंद और 7 रन। निजामा के होंगे बड़ोड़ा और आनंद निजामा के हूँ ना। पीछे बल्लेबाजी के ऊपर आनंद निजामा को अब शामिल किया जा रहा है। अगला टूर्नामेंट जो कि 70-70 निकेत स्पोर्ट्स एंड यादगार चिकन की ओर से बहुत ही जल्द आपके सामने लेकर आ रहे हैं। चैंपियन होने वाली टीम को 6 लाख रुपया जबकि रनर्स अप होने वाली टीम को 3 लाख रुपए का इनाम होगा। बस बस अभी नहीं। ये कैच आउट वहां पे राकेश प्रभु की ओर से। यस इट इज। छक्के लगाने की लगातार कोशिश इसको कहा जाना चाहिए बल्लेबाज की ओर से। तो आने वाली 7 गेंदों के ऊपर 7 रन चाहिए इस फाइनल मैच को जीतने के लिए। इस बीच विश्वजीत ठाकुर को अब शामिल किया जा रहा है। क्रीज पे दोनों बल्लेबाज क्रिकेट की हिस्ट्री के क्रिकेट के इतिहास के बहुत बड़े नाम है। विश्वजीत ठाकुर जो कि टेनिस क्रिकेट के बेताज बादशाह है,
और बहुत बड़ा नाम महाराष्ट्र क्रिकेट में रायगढ़ से बिलोंग करते हैं और अपने बलबूते पर भाई कई बार उन्होंने अपनी टीम को जीत का मुंह दिखलाया है। ऐसे विश्वजीत ठाकुर क्रीज में मौजूद, नॉन स्ट्राइक एंड पे आनंद निजामा जो कि भोपाल की टूर्नामेंट में बहुत टॉप लेवल का परफॉर्मेंस कर चुके हैं। ये फिर से कैच वहां पे, यस, लगातार छक्के लगाने की कोशिश की जा रही है। अब आने वाली छह गेंदे, आने वाली छह गेंदों के ऊपर सात रन चाहिए और सात विकेट भी गिर चुके हैं। अजीज भाई, बलसार की जनता ने अलग अलग क्रिकेट पिछले तीन दिन में देखा है। जब 100 रन का स्कोर था तो वो चेस भी बहुत आसानी से हो गया था, उसके बाद 60 रन का एक छोटा स्कोर था जो चेस करने में बड़ी तकलीफ हुई थी, और अभी एक छोटा सा स्कोर 3 ओवर में 24 रन का स्कोर और 21 रन का स्कोर और आई थिंक 7 विकेट गिर चुकी है। तो क्रिकेट के अलग अलग पहलू, अलग अलग पासे बलसार की जनता यहां देखकर उसको एंजॉय कर रही है। इट्स अ पार्ट ऑफ क्रिकेट एंड लेट अस एंजॉय दिस पार्ट ऑफ द क्रिकेट। आने वाली छह गेंदों के ऊपर 7 रन चाहिए, 6 बॉल 7 रन। शॉट फाइंड, एक डीप बैकवर्ड स्क्वेयर, एक डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। प्रजोत अंबी ने फील्डिंग कराई शॉर्ट थर्ड मैन के स्थान के ऊपर, जिसके ठीक पीछे डीप गली बाउंड्री लाइन के ऊपर शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर। इस बार देखना पड़ेगा वहां पे डिसीजन इज गिवन बाय अंपायर्स आल्सो, अंपायर डिसीजन इज गिवन 4 रन्स। ओके, आने वाली 5 गेंदों के ऊपर 3 रन चाहिए, 5 बॉल 3 रन। बड़े जिसको कहा जाना चाहिए, 3 लाख और 1.5 लाख का जो मैच है, ये बहुत ही गोल्डन गेंदे हैं दोनों टीमों के लिए। रिमेनिंग 5 बॉल 3 रन। ये 1 रन जरूर लिया गया वहां बल्लेबाज की ओर से। अब आने वाली 4 गेंदों के ऊपर 2 रन चाहिए, रिमेनिंग 4 बॉल 2 रन। दोनों ब्रदर बल्लेबाजी के ऊपर, एक बहुत ही विश्वसनीय पारी पेयर बल्लेबाजी के ऊपर, आनंद और प्रतीक। आने वाली 4 गेंदों के ऊपर 2 रन चाहिए इस फाइनल मैच को जीतने के लिए। आनंद और प्रतीक की महत्वपूर्ण जोड़ी, वैसे एक पॉपुलर पेयर भी मानी जाती है साउथ गुजरात में। फीलिंग अप क्लोज रखी जा रही है अनिकेत रावत की ओर से कि सिंगल रन नहीं दिया जाए बाएं हाथ के बल्लेबाज को। स्टॉप शॉट जरूर खेला गया वहां पे, तो मैच अब टाई के ऊपर जा पहुंचा। यहां वैसे कोई भी टीम नहीं हार सकती जिसको कहा जाना चाहिए, मैच गोइंग ऑन टाई पोजीशन ऑफ काजी पिरामिड स्टेडियम, 1 रन रिक्वायर्ड रिमेनिंग 3 बॉल। एक चौका जो पहली गेंद के ऊपर लगाया और बुम्बू मटिया ने जो छक्का लगाया थी, वैसे भी 2 टूर्नामेंट के महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट है अगर काजी पिरामिड्स इस मैच को जीतती है। 3 बॉल 1 रन, मैच इज गोइंग ऑन टाई पोजीशन नाउ। सच अ वंडरफुल एटमॉस्फियर एंड वंडरफुल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड इन वंडरफुल क्रिकेट वेन्यू एंड बीडीसीए। व्यूज वैसे भी बहुत ही अच्छे मिल रहे हैं,
70-70 लाइव के ऊपर, और इस बार देखना पड़ेगा वहां पे विनिंग स्ट्रोक लगाया गया है। काजी पिरामिड इज वन 3 लाख रुपीज, यस इट इज, इज आर बाई काजी द फ्रेंचाइजी ऑनर्स ऑफ काजी पिरामिड्स 3 लाख। खुद ये चौका जो लगाया गया इस ओवर में पहली गेंद के ऊपर, ये बहुत ही टर्निंग पॉइंट जिसको कहा जाना चाहिए, और बुम बुम बटिया ने छक्का लगाया, विकेट के ऊपर न जाए। सो विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ मिस्टर अनिकेत राउत एंड द विनिंग टीम काजी पिरामिड्स फ्रेंचाइजी ओनर्स मिस्टर इजर भाई काजी।